नीला झंडा, हाथी निशान और जय भीम जय भारत का नारा जहन में बहुजन समाज पार्टी का ख्याल पैदा करता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने का दावा करने वाली बसपा आज देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। सदियों से सताए दबाए गए शोषित वंचित और उपेक्षित लोगों के आंदोलन का नतीजा है बहुजन समाज पार्टी। बसपा के उभार ने शोषितों वंचितों का न सिर्फ मनोबल बढ़ाया बल्कि उनमें एक नई चेतना का संचार भी किया ताकि वो अपने हकों के साथ सिर उठाकर जी सके। मौजूदा समय में बसपा बहुजन तबके के नेतृत्व और सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी है। गौतम बुद्ध, महात्मा फूले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम आदि की विचारधारा वाली बसपा का कारवां मजबूती के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं कभी शादी नहीं करूंगा, खुद के लिए कभी कोई संपत्ति नहीं जोड़ूंगा, मैं कभी घर वापस नहीं लौटूंगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी फूले अम्बेडकर के आंदोलन को समर्पित कर दी है। बहुजन नेता काशीराम के इस विचार पर हजारों नौजवानों ने अपनी जिंदगी सामाजिक परिवर्तन के लिए झोंक दी। देश की राजनीति में बहुजन समाज की भागीदारी के लिहाज से काशीराम ने कड़ा संघर्ष किया। बहुजन समाज यानी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और अल्पसंख्यक जिनकी देश में आबादी तकरीबन 85% है, उन्होंने इसी बहुजन समाज के कर्मचारियों का संगठन बामसेफ बनाया। इसके बाद बुद्धिस्ट शोध केंद्र और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 और आखिर में 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। पार्टी के पहले अध्यक्ष वो खुद बने। उनका लक्ष्य करीब 6000 पिछड़ी जातियों को जोड़कर बहुजनों के हाथों में सत्ता की चाबी थमाना था। काशीराम ने फंड जुटाने के लिए लोगों से एक टाइम का खाना मांगा और वोट के साथ नोट मांगना शुरू किया। उनके पास संसाधनों की कमी थी लेकिन हाथों की नहीं। उन्होंने सैकड़ों पेंटरों की फौज तैयार कर दीवारों पर हाथी बनवाए। हाथ से हाथी बनाना आसान भी था और सस्ता भी। देश की राजनीति पर काशीराम की किताब चमचा युग ने खूब शोहरत बटोरी। OBC आरक्षण के लिए काशीराम ने अपने विभिन्न संगठनों के द्वारा संघर्ष किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई। बसपा पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में उतरी लेकिन 3 सीटों के साथ खाता खुला 1989 के लोकसभा चुनाव में। इसके बाद मानो फिर पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 15वीं लोकसभा में ये संख्या बढ़कर जा पहुंची 21 सीट पर। 1989 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रखते ही बसपा के 13 विधायक चुनकर आए और सिलसिला जा पहुंचा 2007 में 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत तक। इस बीच बसपा ने 3 बार राज्य में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया लेकिन 2012 में पार्टी को 80 सीटों पर ही सफलता मिल सकी। बहुजन वर्ग के हाथों में राजनीतिक विरासत सौंपकर 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। इस घटना के बाद साल 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया। बतौर मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर बहुत से स्मारक पार्क और विश्वविद्यालय खोले। हालांकि इन कामों से प्रदेश को एक नई पहचान तो मिली साथ ही बसपा को कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा लेकिन वहीं लोगों ने मायावती के कुशल और प्रभावी प्रशासन की तारीफ भी की। फिलहाल मायावती ही बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का मिशन उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सत्येंद्र की रिपोर्ट, DD News।